नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, हाल ही में भाईंदर पूर्व से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वो सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में दो महिलाएं एक घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली ये मामला जो है वो दरअसल मामला है चोरी का। भाईंदर पूर्व की एक गुड डील कंपनी के ऑफिस में इन महिलाओं ने सुबह के समय में 4 लाख से अधिक की चोरी की। इन महिलाओं की चोरी करने की पद्धति थोड़ी दूसरे लोगों से अलग थी। इन महिलाओं में एक महिला जो है वो बड़ी उम्र की महिला है और दूसरी है वो कम उम्र की है। तो इस कंपनी के जो मालिक है उन्होंने जिस तरह से बताया है और उसके आधार पर उनके बयान पे ये निकल के सामने आता है कि ये महिला लोगों को भ्रम में डालने के लिए भीख मांगने का नाटक करती है। इनकी एक गैंग है दो महिलाओं की, एक महिला भीख मांगने का नाटक करती है और दूसरी महिला इस तरह से हाथ साफ करती है। ये दोनों महिलाएं अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व, 2-3 दिन पहले की ये घटना है, सुबह के 6:30 बजे इस कंपनी के ऑफिस में घुसी, जहां पर पड़े सोने के गहने, कुछ कैश, इस तरह से 4 लाख से अधिक का सामान लेकर फरार हो गई। पुलिस को इन महिलाओं की तलाश है और इस कंपनी के मालिक ने अपने बयान में पूरी इस वारदात से पर्दा उठाया है। आगे वीडियो में देखिए इस कंपनी के मालिक का बयान। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपके ऑफिस में चोरी हुई है, क्या है मामला, किस तरह से चोरी हुई है? ये घटना परसों की है। परसों सुबह 6 से 6:15 के बीच में एक दो महिलाएं मेरे ऑफिस के नीचे आई थी। एक बुजुर्ग महिला थी, वो नीचे खड़ी थी और दूसरी एक लड़की थी जो ऊपर आई मेरे ऑफिस के इधर, और मेरा दरवाज़ा उसने थोड़ा हल्के खींचने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल गया था ऑफिस का। और फिर उसके बाद में मेरे ऑफिस से उसने सोना था, मोबाइल था, हमारे एक बैग थी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में जिसमें सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब वो बैग थी, वो बैग लेके वो चले गई। क्या बोलेंगे, किस तरह की महिलाएं थी, क्या कौन थे लोग जिन्होंने चोरी की? ये जो महिलाएं थी, ये जहां तक मैं सुदेव मैंने जो फुटेज देखा है, ये जो रास्ते पे जो रहते हैं और भीख मांगने का जो नाटक करते हैं, ये वही उस किस्म की महिलाएं थी। ताकि एक महिला जो नीचे खड़ी थी वो वॉच भी कर रही थी, और जब ऑफिस के करीब अगर लोगों की हिलचाल हो रही थी तो लोगों से भीख मांगने का नाटक करके लोगों को गुमराह करके उनको दूर हटा रही थी। तो मैं मीरा बांदर वासी और शहर के सभी लोगों से ये विनंती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी किसी पे तरस न खाए जो सुबह शाम रात को देर रात को भी रस्ते पे खड़े रहते, जो बुजुर्ग होने का नाटक करके अगर भीख मांगते हैं, तो वैसे लोग से आप बच के रहिए और अपना घर का या ऑफिस का दरवाजा ठीक तरीके से जांच ले कि वो बंद हुआ है, प्रॉपर बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि मेरे साथ जो घटना घटी वो आप किसी के साथ ना घटे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।